अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सादा चौधरी। इस वक्त हम चीचा वतनी में मौजूद हैं और आज ईद उल फितर का पहला दिन है और आज हम आवाम से जानेंगे कि वो किस तरह ईद गुजार रहे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि बाज़ारों में जो रश है वो बिल्कुल ख़त्म है, लोग घरों में बैठे हुए हैं और लॉकडाउन भी है और साथ साथ ईद भी मना रहे हैं। आइए लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह ईद गुजार रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भैया आप बताइएगा, आज ईद उल फितर का पहला दिन है और आप किस तरह इस ईद को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और इस हवाले से आप अपनी राय दें। सर, इस हवाले से मेरी राय यही है कि लॉकडाउन के मुताबिक आप जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे, हर चीज़ तो बंद है। बस यही कज़न्स के साथ निकले हुए हैं, कुछ देखने वगैरह, देखने में भी कुछ नहीं मिला, बस ये एक दो मॉल्स खुले हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें हो रही हैं बस, बाकी कोई इन्जॉय नहीं है। पार्क वगैरह सब बंद किए हुए हैं उन्होंने, हर चीज़ बंद है। तफरी के जितने भी पॉइंट्स हैं हमारी सिटी के सारे बंद किए हुए हैं। तो आप पहली ईद को मिस कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सारे कर रहे हैं, कौन सा मैं अकेला करूँ, सारे मिस कर रहे हैं सर। तो इस दफ़ा आप ईद कहाँ पे गुजार रहे हैं, घर में गुजार रहे हैं? मोस्टली घर, ये यकीन करें मैं अभी ईद की नमाज़ पढ़ के जाके सो गए, अभी उठ के आया, मतलब सिर्फ अभी भी वही कुछ खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेने थे कि लेके चले घर चले जाएँ। पहले हो जाता था कि फैमिली आउटिंग वगैरह बंदा कर लेता था ईद पर, अब इस दफ़ा तो वो भी मतलब मना हुआ है कि हम फैमिली आउटिंग भी नहीं कर सकते, मतलब उसमें भी कोरोना के इशू ना, अभी रश वगैरह ज़्यादा नहीं डालना, तो इस वजह से बस यही खाने पीने की चीज़ें लेने निकले हुए हैं, लेके घर चले जाएँगे और बस। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो बेटा आप बताइए कि जो लॉकडाउन के दौरान आप किस तरह ईद गुजार रहे हैं? जी पहले जैसे हम लोग इन्जॉयमेंट नहीं कर सकते, हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, तो हम पहले जैसे ईद उल फितर जो ईद उल अज़हा हम पहले जैसे ईद मना सकें। किस तरह ईद गुजर रही है इस दफ़ा आपकी, क्योंकि लॉकडाउन है और पार्क वगैरह बंद है, और आपकी किस तरह ईद गुजर रही है इस दफ़ा? बोरिंग। बोरिंग गुजर रही है, घर में गुजार रहे हैं ज़्यादातर वक्त या बाहर फिर रहे हैं? घर में। बाहर आपको निकलने की इजाज़त दी जाए तो आप जाएंगे? नहीं नहीं जाएंगे, क्यों? कोरोना आया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा तारिक। अच्छा फातिमा, आप बताइए कि आप किस तरह ईद गुजरी इस दफ़ा आपकी? बोरिंग गुजरी है, ना ही पार्क जा सकते और ना ही हम कर सकते कुछ, कोई कुछ कर भी नहीं रहा, इस वजह से हम बोरिंग ईद गुजरी है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इधर आके। तो पहले की तरह ईद गुजर रही है या उससे डिफरेंट है? नहीं नहीं, पहले की तरह नहीं है, लॉकडाउन की वजह से ना अब की बार ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बार लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से हमें इंजॉय करने का इतना टाइम नहीं मिल रहा। जी तो ईद के ईद में आप कहीं पे गए हैं घूमने फिरने पार्क वगैरह में या नहीं गए? नहीं नहीं, हम पार्क पे गए थे लेकिन उधर बंद किया हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है अंदर जाने की, इसलिए हम उधर नहीं जा सके। माशाल्लाह वैसे तो बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन मुख्तलिफ तो है ना उसकी वजह से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पैसे की कमी है, इस वजह से नॉर्मल गुजर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है। आप फैमिली के साथ कहीं बाहर भी गए हैं घूमने फिरने या नहीं गए? नहीं अभी तो नहीं गए, जाने का प्रोग्राम तो है। तो हुकूमत ने तो लॉकडाउन किया है और दफ़ा 144 नाफज है और कहीं पर डबल सवारी पर भी पाबंदी है। चलें घर पर ही मनाएँगे इंशाल्लाह। ईद पहले जिस तरीके से गुजरती थी उससे थोड़ा सा हटकर गुजर रही है, अब चूँकि पहले हालात कुछ और थे, अब कोरोना वायरस के पेश नज़र और लॉकडाउन के पेश नज़र हालात कुछ और हैं, तो पहले की बनिस्बत ईद को गुजारने में अब फ़र्क है। तो आप पहले जैसे इंजॉय नहीं कर रहे, इसका मतलब? नहीं इंजॉय तो कर रहे हैं, वो तो इंसान के माइंड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से माहौल को इंजॉय करता है। घरों में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, अपनी सुना रहे हैं, इससे बड़ा एंजॉय और क्या हो सकता है। ईद बहुत ज़्यादा बोरिंग गुजरी है, ऐसे ही कुछ दोस्तों के पास भी नहीं जा सके, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन बहुत सख्त है, अगर जा रहे हैं तो आगे से पुलिस रोक टोक कर रही है, तो कोई ऐसा मज़ा वगैरह कोई नहीं है। पहले जैसी ईद नहीं गुजरी? नहीं पहले जैसी थोड़ी सी भी नहीं गुजरी। पहली ईद को आप मिस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जी। तो जैसा कि हमारे साथ भाई मौजूद थे कि इस दफ़ा लॉकडाउन है और जो पहले जैसी ईद थी वो नहीं हो रही और ईद को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पहले जैसी, और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये कोरोना की वबा को ख़त्म कर दे ताकि पहले की तरह लोग खुशियां अपनी एंजॉय कर सकें। कैमरामैन मलक नासिर के साथ सादा चौधरी और 11 News HD की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।